अभी मैं आपको बताया था इतना अच्छा वेदर है, सनी है, और अभी एक बार हो रही है जोरों से बारिश। तो देखिए हमारे थेपले रेडी हो चुके हैं और अभी मैं उसको खाऊंगा ये व्हाइट बटर के साथ। डाइनिंग टेबल होने के बावजूद हम नीचे बैठ के चाय नाश्ता करते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द यूनिक जोड़ी। कैसे आप सब? तो देखिए आज संडे का दिन है और मेरी और भाविक की छुट्टी है और आज तो वेदर बहुत अच्छा है आउटसाइड। मैं दिखाती हूँ आपको। तो सोचते हैं कि क्या बनाए आज ब्रेकफास्ट में। तो आज हम ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों साथ में करेंगे, मतलब ब्रंच करेंगे, क्योंकि कल हमने मूवी देखी थी तो हम आज सुबह लेट उठे हैं। तो अभी बज रहे दोपहर के 12, तो आज हम दोनों साथ में करेंगे ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा स्पिनिच एंड मेथी का थेपला। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे चैनल में जो नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आपको कैसे वीडियो देखना पसंद है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए चाय तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है ऑलरेडी, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे पालक और मेथी के थेपले। तो अभी मेरी बारी, बीवी ने तो इंट्रोडक्शन दे दिया पहले, अभी मेरी बारी, मेरा क्या टास्क है। तो आज क्या है, वेदर थोड़ा क्लाउडी है, रेनी है नहीं, और मैंने थोड़े सीसीटीवी कैमरे मंगवाए थे तो घर के चारों वॉल मुझे लगाने हैं। तो आपको बताऊंगा मैंने कैसे सीसीटीवी कैमरे मंगवाए और वो मैं कैसे लगाता हूँ उसको ऊपर छत के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं, पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए, नहीं तो भूखे पेट काम करना मजा नहीं आता। थेपला बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो गेहूं का आटा लिया है मैंने, ये पालक जाएगा इसके अंदर, गार्लिक, और ये जो ड्राई मेथी आती है ना उसको मैंने पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, तब हम इसमें ये डाल देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा अजवाइन, और हमारे रेगुलर मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, सॉल्ट, ऑयल, अभी दूध उबल जाता। हाँ देखा नहीं होता तो गया होता आज। और अब मैं डालूंगी शुगर। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताया था इतना अच्छा वेदर है, सनी है, और अभी एक बार हो रही है जोरों से बारिश। ये सिर्फ एक या दो घंटे का ही खेल है, बारिश बंद हो जाएगी बाद में, तब तक हम हमारा खाना पीना भी कर लेंगे, तो उसके बाद मैं लगाऊंगा अपना सब कैमरास। तो यहाँ पे हमारी चाय उबल रही है और ये देखिए थेपले बनने स्टार्ट हो गए हैं और हिमानी यहाँ पे थेपले को बेल रही है। आ जाइए खाने के लिए। तो देखिए हमारे थेपले रेडी हो चुके हैं और अभी मैं उसको खाऊंगा ये व्हाइट बटर के साथ। यहाँ पे व्हाइट बटर मिलता है अमूल का, तो मैं ऐसे ले आता हूँ उसको, इंडियन ग्रोसरी शॉप में ये मिलता है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, कौन अभी भी ऐसा करता है कि हमारे पास डाइनिंग टेबल है, देखो ये सिर्फ शो पीस है, हमें आप कभी भी यहाँ पे बैठते ही नहीं है, हमें ऐसे नीचे ही आता है, नीचे देखो बैठ के आता है। नीचे बैठ के हम खाना भी ऐसे खाते हैं, शाम को, दोपहर को, कभी भी, अभी नाश्ता भी नीचे बैठ के करेंगे। हाँ,
बताना कि आप लोग भी ऐसा करते हैं, डाइनिंग टेबल होने के बावजूद हम नीचे बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से थेपले पेट भर के खा ली है, अभी मेरा पेट भर चुका है। अभी चलिए हम काम करते हैं अपना, जो मैंने बोला था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे बाहर। बारिश थम चुकी है और देखिए मैंने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहन लिए है और अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है। सो यूनिफॉर्म यानी मैंने स्पेशल अलग से कपड़े रखे हैं इसके लिए, वो गंदे होते रहते हैं तो वो मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए चलो आपको मैं दिखाता हूँ मैं कौन कौन से टूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली जस्ट कुछ नहीं, एक ड्रिल है मेरे पास और ये अपना कैमरा, एंड देन ड्रिल, जो उसके ड्रिल बिट्स आते हैं जो वॉल में लगेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं। सो इस कैमरा को फिट करने से पहले आपको मैं उस कैमरा अनबॉक्सिंग किया हुआ मैंने वीडियो ऑलरेडी शूट करके रखा है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सा कैमरा है एंड उसकी फंक्शंस एंड फीचर्स क्या है। सो चलो, हमने मंगवाया है हमारे घर के लिए सिक्योरिटी कैमरास। ये 6 कैमरास है जो हमारे घर के चार ओर लगेंगे जस्ट सेफ्टी के लिए, कि जब हम घर पे नहीं रहते और हम घर को विजुलाइज कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, जस्ट सिंपल। और इस कैमरा में इसकी मेन फीचर्स ये है कि इसमें वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेटअप बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैमरा लगाओ और क्लाउड में स्टोरेज होता है या तो फिर मेमोरी कार्ड में स्टोरेज होता है। तो चलिए आपको मैं उसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सो कैमरा का नाम है रियोलिंग आर्गस 3 प्रो, ये जस्ट लेटेस्ट वर्जन है। सो और 4 मेगापिक्सल है, इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। उसकी डिटेल में बात करूँ तो ये वाईफाई से कनेक्ट होता है, वाईफाई में 2 फ्रीक्वेंसीज रहती है। सो 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस यही है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ इट्स रियली फास्टर एंड हाई क्वालिटी वीडियो। सो द गुड थिंग इज ये कनेक्ट होता है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, सो आपको अच्छी सी क्वालिटी वीडियो क्वालिटी मिलेगी और रेंडरिंग भी अच्छा होगा, वीडियो रेंडरिंग भी अच्छा होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक्चुअल कैमरा कैसा दिखता है। सो आप देख लीजिए, ये देखो ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसमें पीछे स्पीकर भी दिया गया हुआ है। इससे क्या होता है कि आप वायरलेसली किसी से बात भी कर सकते हो, कहीं पे भी हो, वर्ल्ड के कोई इससे भी कोने में हो, आप किसी से बात कर सकते हो, hey, क्या कर रहे हो, और कोई आया अननोन पर्सन तो उसको नोटिफाई भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज ये कि इसमें बैटरीज रहती है, बैटरीज उसकी चलती है अराउंड 3 to 6 मंथ्स, डिपेंड्स कैसे हम यूज करते हैं, और बाद में उसको चार्ज करना पड़ता है, ये थोड़ा सा एक डाउन पॉइंट है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, उसके साथ उसकी सोलर पैनल भी आती है, तो सोलर पैनल लोग ये तो आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, वो कीप कंटिन्यूस चार्जिंग करता रहेगा, सो इट्स वेरी इजी है। ये है उसका वॉल माउंट पीस, सो वॉल में उसको फिट कर देंगे। मुझे ये जरा बहुत अच्छा लगा है, ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ है, आप इसको घर में या घर के बाहर भी लगा सकते हो, राइट। तो क्या करोगे, घर पे लगाना है तो उसको बस सिर्फ ऐसे फिट कर दो, राइट, ऐसे कैसे भी मूव करेगा ऐसे रख दो, कहीं पे भी लगाना हो, राइट, ऐसा कर सकते हो, गिरेगा भी नहीं, तो ये अच्छी सी बात है। ये उसकी मैनुअल बुक दी गई हुई है, तो ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन है कि कैसे करते हैं उसको, सेटअप कैसे करते हैं। वैसे आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैं वॉल में फिट करता हूँ और बाद में मैंने कैसे उसको मोबाइल ऐप में उसको कनेक्ट किया। ये 24 आवर्स रिकॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ जब मोशन डिटेक्ट होगा तब भी ये रिकॉर्डिंग करेगा। हम आ गए बाहर एक्चुअल कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए। तो क्या चाहिए हमें इसके लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ड्रिल है जिसे हम होल्ड करेंगे, उसके अंदर ड्रिल बिट पीसेस चाहिए थोड़ा, कि कौन से साइज़ का चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी साइज चूज कर ली, मुझे पता था पहले से ये। और ये माउंट प्लग जो आपको ऑलरेडी मैंने आगे 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 दिखा दिया है, तो ये जाएगा वॉल के साइड। और ये कैमरा, ये हैमर चाहिए हमें, इसमें ये देखिए एक पीस दिया गया हुआ है, यह है मेजरमेंट जो इसके साथ मैच होता है, ये ऑलरेडी कैमरा के पैकेजिंग में आता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है ये। देखिए ऑलरेडी एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, मैं यहाँ पे टॉप पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मुझे पहले बोल रही थी ऊपर लगा, मैंने नहीं लगाया। इसके रीज़न ये है, यदि मैं ऊपर लगा था तो जो थोड़ा
ऊपर का विजन है ना वो यहाँ रूप से कवर हो जाए। टाइट नहीं करना है, सिर्फ लूज रख के, लूज इसीलिए करना है क्योंकि हमें बाद में लेना है कैमरा का एंगल। तो देखो ये एंगल मैंने ले लिया है, अभी हमें क्या करना है कि इसको मुझे एंगल सेट करना पड़ेगा कि हमारा ये वाला पैसेज कवर हो। तो बस ये था फिटिंग्स, और ऐसे हमने कैमरा और जगह जगह पे लगाया है। चलिए यहाँ पे हम पीछे की ओर आ गए, आप ऊपर देख सकते हैं ये दो कैमरा, एक फेसिंग है राइट और एक फेसिंग है लेफ्ट की साइड। सो इसको हमने यहाँ पे वायर के साथ अरेंज कर दिया है, और ये जो वायर्स है वो रूफ के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे मैंने छोटा सा एक सोलर पैनल अटैच किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा सोलर पैनल अटैच करके रखा है, तो क्या होता है यहाँ से दो कैमरास नीचे से चार्ज होते रहते हैं। तो ये रियोलिंक करके सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने कंप्यूटर में भी डाल सकते हो और अपने मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क मैंने सब कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं अभी, और ऐप भी मैंने इंस्टॉल कर दिए फ़ोन में। तो अभी जब भी कुछ मोशन डिटेक्ट होगा तो फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज का ये वीडियो हम यहीं पे पूरा करते हैं, और प्लीज हमें कमेंट करके बताना दो चीजें कि आपको थेपले कैसे लगे और कौन कौन डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी नीचे बैठ के खाना खाते हैं। एंड प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको थैंक यू वेरी मच, बट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो देखते हैं प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग।